वेलकम मिसलेनियस क्वेश्चंस। इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। आज के मिसलेनियस क्वेश्चंस के इस एपिसोड में जो क्वेश्चंस लिए गए हैं वो कल संडे 29 अप्रैल 2017 को SBI PO प्री का जो एग्जाम हुआ था उसमें आए हुए मेमोरी बेस्ट क्वेश्चन है। आप देखेंगे कि एग्जाम तो एग्जाम है, उसके डाटा की अपनी खूबसूरती होती है, वो एक दूसरे के लिए बने होते हैं, वो आपको परेशान करने के लिए नहीं होते, आपका कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए होते हैं। आप ये भी देखेंगे कि जितने भी प्लेलिस्ट मेरे हैं और जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं उनसे बाहर शायद ही कोई क्वेश्चन गया हो। थोड़ा घुमा के, थोड़ा सा चेंज करके कॉन्सेप्ट पता है तो कोई चेंज ही नहीं है। आप देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का ये क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन है और टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन बहुत खूबसूरत हैं, बढ़िया है। थोड़े से चेंज के साथ फर्स्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व कर चुके हैं, पिछले एपिसोड्स में आप देख चुके हैं। रूप थोड़ा बदला हुआ है, फॉर्म थोड़ा चेंज्ड है, लेकिन चीजें वही हैं। प्रोबेबिलिटी के इस क्वेश्चन में भी बस थोड़ा पूछा गया है कि आपको चीजें समझ में आती हैं कि नहीं। और ये टाइम एंड वर्क का जो सवाल है, रियल में ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपका कॉन्सेप्ट चेक होता ही होता है। आप आधे अधूरे पढ़े हैं तो इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते, टाइम एंड वर्क के इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते। रियल में एग्जाम में आपका कॉन्सेप्ट चेक होता ही होता है और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, ये टाइम एंड वर्क बताता है। ये क्वेश्चन कि जिसने भी मेहनत किया होगा वो इस क्वेश्चन को जरूर बनाएंगे और वो लीड लेंगे। यही महत्व है पढ़ाई का, सही ढंग से कॉन्सेप्ट के साथ। तो आइए धीरे धीरे हम लोग चलते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है वो प्रॉफिट एंड लॉस का है। देखिए कैसे स्लाइड चेंज हुआ है, कैसे स्लाइड चेंज हुआ है। एन आर्टिकल इज मार्क्ड अप बाय 40% हायर, मार्क्ड अप 40% हायर देन सीपी, बट इट वाज सोल्ड ऑन एक्स परसेंट डिस्काउंट। द शॉपकीपर दस गेन्स 12%। व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल With CP rupees 120 and sold on X percent profit। बस सेकंड लाइन को उसने एक्स्ट्रा ऐड किया है जिसमें कुछ है नहीं। कोई आर्टिकल है, देखिए कोई आर्टिकल है उसका कुछ कॉस्ट प्राइस है, उससे 40% हायर पर मार्क किया गया, मार्क प्राइस किया गया, ओके। और यहां से डिस्काउंट दिया गया, एक्स परसेंट डिस्काउंट दिया गया, और डिस्काउंट देने पर इस प्राइस पर उसे सेल किया गया। यहां लीजिए सेल किया गया 40% अप मार्क किया गया, एक्स परसेंट डिस्काउंट दिया गया, प्रॉफिट जो होता है वो 12% होता है। ये क्वेश्चन है। और फिर है कि भाई ये कॉस्ट प्राइस अगर 120 रुपीज होता, 120 रुपीज होता और उसे यदि 20% प्रॉफिट पर सेल करते, उसे यदि x% प्रॉफिट पर सेल करते तो आखिर कितने में सेल करते, यही क्वेश्चन है। देखिए हम लोग 99% केसेस में कॉस्ट प्राइस को ही 100 मानते हैं। मान लिया कि कॉस्ट प्राइस 100 है, 40% हायर मार्क किया गया, ओके 140 पर मार्क किया गया, डिस्काउंट देने पर सेल किए तो 12% का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट और लॉस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। लाभ या हानि का प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य को 100 मान के निकाला जाता है। तो 12% प्रॉफिट होने का मतलब अगर 100 में खरीदे हैं, कॉस्ट प्राइस है तो 12% प्रॉफिट 112 में सेल किए हैं। अब आप मुझे बताइए कि जिसका मार्क प्राइस 140 है और उस पर
डिस्काउंट देने के बाद 112 में सेल करेंगे तो 28 का डिस्काउंट होगा कि नहीं, और इस 28 को क्या बोलेंगे। देखिए देखिए, ये 28 का डिस्काउंट हो रहा है 112 एंड 140। 28 का डिस्काउंट है, 28 क्या है इसका 20%, दैट मीन्स कि 20% डिस्काउंट दिया जाता है, और जितना x परसेंट डिस्काउंट दिया जाता है x परसेंट ही प्रॉफिट पर सेल किया जाए, यानी 20% डिस्काउंट दिया जाता है तो 20% प्रॉफिट पर ही सेल किया जाए उस वस्तु को, उस आर्टिकल को जिसका कॉस्ट प्राइस 120 है, तो कितने में सेल करेंगे। 20% तो समझ रहे ना, 10% 12, 20% 24, इसका मतलब हुआ 24 रुपीज के प्रॉफिट के साथ 120 प्लस 24 यानी कि 144 रुपीज में सेल करेंगे। दिस इज द आंसर। बोलिए समझ में आया या नहीं। मेरे ख्याल से सबों को समझ में आ गया होगा। दिस इज द बेस्ट वे। आप बताइए, आप आज तक जो पढ़े हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, क्या उससे ये बाहर है? आप आसानी से इसको सॉल्व करने की स्थिति में हैं या नहीं? ठीक है, ताकि आप अगले संडे को या सैटरडे को 6 अप्रैल और 6 मई और 7 मई को जो एग्जाम होगा, जिनका भी वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाइए और क्वेश्चंस इसी तरह के आएंगे, उन्हें आप सॉल्व करें। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन, देयर आर 27 कार्ड्स हैविंग नंबर 1 to 27। टू कार्ड्स आर पिक्ड एट रैंडम 1 by 1। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ नंबर्स ऑन दीज टू कार्ड्स इज ऑड। देखने में लगता है पता नहीं क्या है, लेकिन आसान है। मैं बताता हूं, कार्ड्स हैं, एक पर 1 लिखा है, दूसरे पर 2 लिखा है, थर्ड पर 3 लिखा है, फोर्थ पर 4 लिखा है, ऐसे करके 27 तक लिखा हुआ है कार्ड पर नंबर। ऑड और इवन को अलग करेंगे तो 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे करके अप टू 26 में 13 ऑड होंगे और 13 इवन होंगे और 27 वाला इधर आ जाएगा, तो कुल मिला के 14 ऑड नंबर्ड कार्ड होंगे और 13 इवन नंबर्ड कार्ड होंगे। आप मुझे बताइए, ऑड नंबर्ड कार्ड जो रहेंगे वो 14 होंगे कि नहीं, और इवन नंबर कार्ड जो होंगे वो 13 होंगे कि नहीं। 1 से 27 तक में जो 27 कार्ड्स हैं उसमें 14 ऑड हैं और 13 इवन है। जानबूझ के ऐसा सेट है, ऑड में देखिए 14 नजर आ रहा है, इवन में 13 आ रहा है, इस 13 से मतलब नहीं है। 2, 4, 6, 2, 1 कार्ड, 4, 2 कार्ड, 6, 3 कार्ड, ऐसे टोटल 13 कार्ड्स हैं। जानबूझ के है, ताकि कॉन्सेप्ट आपका अगर थोड़ा भी वेग है तो ना बने। और देखिए, ऑड नंबर्स 1, 3 ऑड कार्ड, 1, 3 टू कार्ड्स हुए, 5 3 कार्ड्स हुए, ऐसे टोटल 14 कार्ड्स हैं। टोटल कार्ड्स कितने हैं भाई? टोटल कार्ड्स 27 है। टोटल कार्ड्स 27 है। टू कार्ड्स को ड्रॉ करेंगे, पिक करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो एनएस तो हमें पता है ना। एनएस जो होता है हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो हम चाहते हैं वो कितने तरीके से होगी और विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस कितना नंबर ऑफ एज है, ये एनएस होता है। तो क्वेश्चन शुरू होने से पहले एनएस मालूम हो जाता है। टू कार्ड्स आर पिक्ड एट रैंडम 1 by 1, व्हाट के पहले रुक जाइए, एनएस मिल जाएगा। काम क्या है भाई? तो 27 कार्ड्स हैं, टू कार्ड्स ड्रॉ किए जा रहे हैं, 1 2 1 2 1 2, हाउ मेनी टूस, इसको 27C2 कहते हैं, 27C2 कहते हैं। तो ये 27C2 हुआ। अब जो टू कार्ड्स हैं, 1 ऐसा होना चाहिए, अनदर ऐसा होना चाहिए, ऐसा और वैसा क्या है? तो क्वेश्चन ये कहता है कि जो दोनों कार्ड लेंगे उनका सम ऑड होना चाहिए। आप मुझे बताइए, ऑड इधर है, इवन इधर है, ऑड वाला टू कार्ड लेंगे तो ऐड करने पर तो इवन हो जाएगा ना, 1 and 3 इवन हुआ कि नहीं, 1 and 3 ऐड कीजिए 4, सम ऑफ टू ऑड नंबर्स इज इवन नॉट ऑड, सम ऑफ टू इवन नंबर्स इज ऑड इज इवन, दो इवन नंबर का सम भी इवन होता है, दो ऑड नंबर का सम भी इवन होता है, तो ये वाला तो मुझे चाहिए नहीं।
टू ऑड ले नहीं सकते, टू इवन ले नहीं सकते। जब एक इवन हो दूसरा ऑड हो तभी सम ऑड होगा। सम शुड बी ऑड, वन कार्ड मस्ट बी ऑड एंड अनदर कार्ड मस्ट बी इवन। बस खत्म। वन शुड बी मेल एंड वन शुड बी फीमेल, वन शुड बी ऑफिसर अनदर शुड बी नॉन ऑफिसर्स, वन शुड बी बॉय वन शुड बी गर्ल, वन शुड बी मैन वन शुड बी वुमेन। लाइक दैट जो क्वेश्चंस आप पढ़ते आए, एक वन कार्ड को ऐसा होना चाहिए, ऐसा माने ऑड होना चाहिए, और दूसरे कार्ड को वैसा होना चाहिए, वैसा माने 13। बस इस 14 में से कोई भी एक को लेने का तरीका हुआ 14, और 13C1 कोई भी एक लेने का तरीका हुआ 13, और ये 27n(n-1/2) 2 से ये 13 और ये 13 मिलके कैंसल, क्या बचा 14/27। दिस इज द आंसर 14/27। बोलिए प्रोबेबिलिटी का ये सवाल कैसा लगा? ये बढ़िया सवाल था कि नहीं, बढ़िया क्वेश्चन था कि नहीं, और इसे आप आसानी से बना सकते हैं कि नहीं? वाहियात क्वेश्चन नहीं होते हैं, कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए ही क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये समझ गए? ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था जो प्रोबेबिलिटी का था। इसके बाद आइए थर्ड क्वेश्चन आते हैं। ये रियल में आपका कॉन्सेप्ट चेक करता है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा, आपको थोड़ा बहुत भी टाइम एंड वर्क का नॉलेज है तो समझ में आएगा। आइए आइए मेरे साथ। क्वेश्चन पहले मैं पढ़ता हूं। बी इज 20% मोर इफिशियंट देन ए, ओके। बी स्टार्टेड द वर्क एंड डू इट फॉर एक्स डेज and do it for x days and b is then replaced by a, a completed the remaining work in x plus 8 days. Ratio of work done by a and b is 3:2. In how many days a and b working together complete the whole work? Kuch bhi nahi choda hai. Main mein jaise time and work par Kaslet shape mein question diya jayega, प्री में ये क्वेश्चन लगभग वही है। थोड़ा शॉर्ट में अगर बनाना हो, मैं डिटेल बात करूंगा, तो हम लोग बोलेंगे ठीक है वर्क दोनों ने किया तो स्टार्ट तो बी ने पहले किया, लेकिन यहां पर लिखा है कि ए और बी का जो वर्क है वो 3:2 के रेशियो में है। तो अगर 3 यूनिट वर्क ए करता हो तो 2 यूनिट वर्क बी करेगा, तो टोटल 5 यूनिट वर्क करेगा। सबसे पहले बी वर्क स्टार्ट करता है तो वो 2 यूनिट वर्क करता है, बोलिए, और 2 यूनिट वर्क करने में उसे एक्स डेज लगते हैं। बी को 2 यूनिट वर्क करने में एक्स डेज लगते हैं, तो 5 यूनिट वर्क करने में कितना डे लगेगा? ठीक। फिर ए आता है और वो 3 यूनिट वर्क करता है, और 3 यूनिट वर्क करने में उसे टाइम लगते हैं एक्स प्लस 8, दिया हुआ है एक्स प्लस 8 डेज लगते हैं, एक्स प्लस 8 डेज लगते हैं। तो 3 यूनिट वर्क करने में एक्स प्लस 8 लगते हैं, तो 5 यूनिट वर्क करने में कितना लगेगा? ठीक। ये ए कैन डू ए वर्क, ए कैन डू ए वर्क इन एक्स डेज लाइक दैट, एंड बी कैन डू ए वर्क इन एक्स डेज, एंड ए कैन डू इन वाई डे, जो भी बोलिए, ए कैन डू एक्स डेज, बी कैन डू वाई डे। बी ने चूंकि काम पहले शुरू किया था इसलिए मैंने बी का पहले रखा, और कोई बात नहीं है। ए 3 वाला पार्ट है ये है और बी 2 वाला है, हो गया। अब क्वेश्चन कैसा हो गया, ए एक्स डेज में कर सकता है, बी वाई डेज में कर सकता है, लाइक दैट। रुक जाइए, अब आप मुझे बताइए कि इफिशियंसी में बी 20% मोर इफिशियंट का है। थोड़ा सोचिए पहले, अगर कहा जाए कि ए मैन इज 200% इफिशियंट देन दैट ऑफ बॉय, डबल इफिशियंट, 200% इफिशियंट, 100% मोर इफिशियंट, 200% इफिशियंट, तो इफिशियंसी क्या होगी मैन की बॉय की तुलना में 2/1। लेकिन टाइम क्या लगेगा, हाफ, बॉय को 20 डेज लगता हो तो मैन को 10 डेज ना लगेगा, उल्टा लगेगा कि नहीं बताइए पहले, उल्टा लगेगा कि नहीं? अगर इसका 2/1 है तो वो 1/2 होगा कि नहीं, बताइए बताइए बताइए। बस 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 बस
इफिशियंसी जो है, जैसे ये डबल है वन का, टाइम तो लगता है 10 डेज 20 डेज, इसको रिवर्स कीजिए 20 एंड 10, तभी तो इफिशियंसी निकलेगा। अगर 10 डेज वॉइस को 20 डेज लगता है और मैन को 10 डेज लगता है तो एफिशिएंसी इनवर्स होगी, 20/10, 2/1, तभी बोलेंगे एफिशिएंसी 2:1, फिनिश्ड, बेस 20% मोर एफिशिएंट। ए का एफिशिएंसी 100 है तो बी का 120 है, समझ गए? एफिशिएंसी, बी इज मोर एफिशिएंट, विल टेक लेस टाइम, बस बस बस। पहले हम लोग जिसका भी लिखे, मान लीजिए ए ए बी का लिखते हैं, तो बी और ए के बारे में बात करते हैं, तो इफिशियंसी जो होता है टाइम का उल्टा होता है, तो बी का टाइम, बी का जो इफिशियंसी ए का इफिशियंसी है, बी 120% इफिशियंट है, देन दैट ऑफ ए, ये 100 तो ये 120, तो टाइम क्या होगा उल्टा, तो टाइम ए का कितना, ये ऊपर आ जाएगा 5/3 एक्स प्लस 8, और ए वाला जो है ए ए और ए बी वाला इधर आ जाएगा 5/2 एक्स आएगा कि नहीं। ए को जितना समय लगेगा, बी को जितना लगेगा, उसका इनवर्स लगेगा। ए को अगर 10, ए मान लीजिए कि बॉय है और बी मैन है, तो ए को 20 डेज लगेगा, बी को 10 डेज, तो 10/20 है तो 20/10 लिखेंगे कि नहीं। ये मान लीजिए मैन है, ये बॉय है, ये डबल इफिशियंट है, बॉय को अगर 20 डेज लगेगा, मैन को 10 डेज लगेगा, तो 10/20 थोड़ी लिखेंगे, 20/10 लिखेंगे ना, तब ना होगा। बी को 20 डेज लगता है, इसको 10 डेज, तो इनवर्स हुआ कि नहीं 20/10। उसी तरह से बी बाई ए लिखे हैं, तो बी को जितना टाइम लगता है, ये इनवर्स हुआ कि नहीं, क्लियर? इसलिए मैंने ऐसे लिखा ताकि क्लियर हो जाए। तो टाइम का उल्टा लगता है, बी को जितना समय लगा और ए को जितना समय लगा, वो इनवर्स, बस सॉल्व इट। 5 इज कैंसल, 2 इधर भेजिए, 3 इधर भेजिए, होगा ना ऐसे 5 2 इधर 3 इधर, देखिए देखिए देखिए, तो क्या हो गया 3 इधर 2 इधर, इसको भी कैंसिल कीजिए, कैंसिल कीजिए, कैंसिल कीजिए, जो भी है कैंसिल कीजिए, कैंसिल कीजिए, कैंसिल कीजिए, क्या बचता है 3/5। और ये सॉल्व थोड़ा फास्ट करेंगे, 9x 5x 4x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 10। नहीं समझे, ये आया है 3/5 इज इक्वल टू एक्स प्लस 8/3x, तो ये 9x हो गई, इधर 5x हो गई, इधर आगे 4x हो गई, 40 हो गई, सॉल्व कीजिए x 10। पहले बताइए यहां तक समझ में आया कि नहीं, x का वैल्यू 10 निकला, तो हमने देखा ये x मत निकालिए, a और b दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे, a किसी वर्क को इतने दिन में करते हैं, a b किसी वर्क को इतने दिन में करते हैं, इतने दिन में करते हैं। x का वैल्यू यहां रखिए 5/2 इंटू एक्स 50, देखिए देखिए 5/2 इंटू एक्स बोले ना, ऐसे बोले ना, तो 25 डेज हुआ, b किसी काम को 25 डेज में कर सकता है, और a a a a रखिए रखिए 5/3 इंटू एक्स 10 है ना, 10 प्लस 8 18 30 डेज में कर सकता है, समझ गए? ए किसी वर्क को 30 डेज में कर सकता है, बी किसी वर्क को 25 डेज में कर सकता है, दोनों मिलकर के एक्स वाई बाय एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, जैसे भी कीजिए। इसको हम लोग सॉल्व थोड़ा ढंग से करते हैं, 11 टू जा बोलते हैं तो 10 हो जाएगा 22, 40/11, फिर यहां से निकालते हैं 13 और 7/11। ये जो सॉल्व करने का स्पेशल टेक्निक है जो बार बार हम लोग बात करते आए हैं, 13 एंड 7 बाय 11 डेज, मतलब ऐसे ऐसे हम लोग क्या करते हैं, ये 30/11 है, इसको लिखते हैं 2 + 8/11, लिख सकते हैं ना ऐसे 11 to 2 22 + 8 30/, और इसको जब 5 से करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 10 + 40/11, इसको फिर ब्रेक करेंगे तो 3 निकलेगा कि नहीं, और प्लस 33 7/11, बोलिए 13 एंड 7/11, समझ गया? ठीक है, तो इसमें आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट चेक हो जाता था। बोलिए ये पूरा सेट शानदार है कि नहीं, और ये भी कि जो स्टडी आपका चल रहा है वो इस डायरेक्शन में है कि नहीं, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और सैटरडे संडे को, नेक्स्ट सैटरडे संडे को, 6 मई और 7 मई 2017 को
जो लोग भी एग्जाम देंगे मुझे पूरी उम्मीद है कि उनका उत्साह बहुत आगे बढ़ेगा। और भी क्वेश्चन जो आए हैं कल के एग्जाम में, आज के एग्जाम में, मैं लगातार सॉल्व करूंगा ताकि एग्जाम देने से पहले ही आपका कॉन्फिडेंट बुलंदियां छुए। ओके, ऑल द बेस्ट।